सर हरिया ग्रुप ने तो कहने में कमाल कर दिया. गुड, वेरी गुड. मैं कम इन सर. कम इन. धवन साहब, आप हैं मिस्टर संजय, अपनी कंपनी के नए सेल्स ऑफिसर. आप दिल्ली से आए हैं. हेलो. और आज ही ज्वाइन किया है. प्लीज सिट डाउन. थैंक यू सर. आपने मुझे याद किया. यस मिस्टर संजय, क्या है कि कंपनी की तरफ से आपको जो बंगला मिलना है उससे बनने में 4-5 महीने और लग जाएंगे. डोंट वरी सर, तब तक मैं किसी किराए के मकान में इंतजाम कर लूंगा. वैसे बम्बई में सुना है कि मकान कम है, इससे रीजन ज्यादा है. फिर भी मुझे लगता है कि मैं मकान ढूंढने में कामयाब हो जाऊंगा. स्टेट एजेंट मलकानी आप ही हैं? 100% कड़क पहचाना भाई. बोलो. मैं मकान के सिलसिले में आया हूँ. अरे तो भाई खड़े क्यों है भाई, बैठो ने. थैंक यू. चपड़ासी, एक चाय लाना. नहीं नहीं, चाय की क्या जरूरत. अरे जरूरत क्यों नहीं भाई, ग्राहक तो भगवान से ही बड़ा होता है. अरे एक स्पेशल चाय लाना. एक लगता मेरा काम हो जाएगा. मलकानी साहब क्या बताऊँ, बांद्रा से लेकर अंधेरी तक सारे स्टेट एजेंट छान मारे. मकान देना तो दूर, किसी ने पानी तक नहीं पूछा. समझ में नहीं आता आखिर ये लोग कमाने आदमी को किराएदार क्यों नहीं रखना चाहते. कुंवाड़ा, किराएदार, चपड़ासी, चाय कैंसिल. अरे तुमको शर्म नहीं आती है, कुंवाड़ा हो के बम्बई में मकान ढूंढते हो और वो भी किराए का. अरे जाओ शादी करके आओ, जाओ चलो. कमाल है, जैसी आपकी मर्जी. मैं तो बांद्रा वाले मकान के लिए आया. अरे बांद्रा वाला मकान. अरे बैठो नहीं, बैठो. अरे बैठो. अरे यारो स्पेशल जाएगा, जाओ जल्दी कराओ. अच्छा एक बात बताओ, शराब वराब पीते हो क्या. अजी साहब मैं इन चीजों से कोसों दूर हूँ. अच्छा जुआ शुआ खेलते हो क्या. जी जी जी, भगवान का नाम लीजिए. अच्छा पड़ोसियों से झगड़ा बगड़ा करते हो, पड़ोसियों की लड़कियों को पटाने का शौक रखते हो क्या. जी नहीं, मेरे पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है. चपरासी खबरदार, जो चाला टांग तोड़ के तेरा इनके हाथ में दे दूंगा. अरे भाई माफ करो, बांद्रा वाले मकान में रहने का तुम्हारे बस की बात नहीं. हल यानी आपको बांद्रा वाले मकान के लिए जुआरी शराबी गुंडा बदमाश चाहिए. बिल्कुल वही चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर वाले मकान में एक ऐसा गुंडा रहता है जो नीचे वाले मकान में किसी को टिकने नहीं देता है. अभी गुंडे के लिए तो गुंडा ही चाहिए ना यार. बोलो तुम उसमें रह सकते हो. कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है, जाके मकान देखता हूँ. अरे चपरासी के बच्चे, स्पेशल चालाने में इतना टाइम लगाते हो. मलकानी साहब वैसे किराया क्या होगा. उस मकान में रह कर तो दिखाओ, किराए की बात बाद में देखते हैं. ये जो आदमी ऊपर रहता है ये करता क्या है. अरे यही करता है, जो भी किराएदार को मैं बिठाता हूँ ये भगा देता है. दरअसल मैं वो मकान उसकी भांजी को दिया था और ये गुंडा उसका मामा है. वैसे उसकी भांजी काम क्या करती है. अरे नाचती है. क्या. अरे बच्चों को ऐसा कुछ डांस करती है, कुछ करती है. दिग धा दिग दिग थे, दिग धा दिग दिग थे, दिग धा दिग दिग थे, धा कमंडरी, धा क्रेंट, धा क्रेंट, धा क्रेंट, धा. अब आप सब हाथ ऊपर. गुड इवनिंग गर्ल्स. वही बड़ी बड़ी छिपकलियां मार ली, कॉकरोच मार लिए, ये मक्खी हाथ में नहीं आ रही. ससुरी मामा. मामा कहाँ गए. बैठे शिकार खेल रहे हैं. शिकार खेल रहे हैं. मामा मामा. अरे इकतीस. अरे अरे संगीता तुम. मामा आप यहाँ क्या कर रहे हैं. अरे आज का कोटा पूरा कर रहा हूँ, 31 शिकार किए मैं. और ये देखो 32 है. मामा आप दिन भर यही खून खराबा करते रहे या पेट पूजा भी की कुछ. अरे कहाँ, ये आजकल नीचे का मकान मांगने वालों ने बहुत तंग कर दिया. जैसे मैं ही मकान मालिक हूँ, मैं भी गुगली डाल के एक एक को आउट करता रहा, देखता हूँ कैसे लेते हैं नीचे का मकान. आप सुधरेंगे नहीं. अरे कैसे. 34. अरे तारा. तारा. ओ तारा जी. अरे जल्दी से खाना लगा, संगीता बाहर से भूखी आई है. आए ये कचरा यहाँ पड़ा है, सड़कें साफ सुथरी रखेंगे मगर घर को कचरे का ढेर बना के रखेंगे जैसे म्युनिसिपैलिटी का डिब्बा हो. अरे खाना बना रही होगी, मैं ही फेंक देता हूँ. कौन है ये गधा, बड़े अंधे होते हैं ये ऊपर वाले. क्या कहा, अंधा.
हाँ हाँ, और बदतमीज भी। क्या 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 क्या, बदतमीज भी? अभी नीचे आता हूँ, दिखाता हूँ तुझे बच्चे। किस लिए आप लोगों के ऊपर कचरा फेंकते हैं? आप कचरा फेंकने की जगह पर खड़े क्यों होते हैं जी? अजी, हम ये नीचे वाला मकान देखने आए हैं। अच्छा, तो आपको भी उस सिंधी ब्रोकर ने इस मकान की बीमारी लगा दी। लगते तो पढ़े लिखे हो। जी हाँ, और आप जैसे को पढ़ा भी सकते हैं। हाजी साहब, किसी ने बहका दिया है आपको इस मकान के बारे में। क्या मतलब, ये मकान खाली नहीं है? हाजी, मकान तो खाली है और खाली ही रहेगा। वो क्यों? देखिए साहब, आपसे पहले जो साहब आए थे उनकी नौकरी छूट गई, उनसे पहले जो साहब आए थे उनका मोटर में एक्सीडेंट हो गया, और जो तीसरे साहब आए। मैं समझ गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि गर्मियों में छत टपकती है, बरसात में धूप आती है, ऊपर वाले गालियां देते हैं, पड़ोस वाले कचरा फेंकते हैं, और तो और पानी की सख्त तकलीफ है। ऊपर का नल अगर खोल दो तो नीचे एक बूंद भी नहीं आती। महीनों नहाए बिना रह जाओगे गंदे सड़े हुए। मामा जी। हाँ, मैं आता हूँ। ए भाई साहब, किस चक्कर में पड़े हो? सुनिए, कहीं दूसरी जगह मकान देखिए, ये मकान पढ़े लिखों के लायक नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा नहीं है, जाओ जाओ दूसरी जगह देखो भाई। अरे जाओ, क्यों मेरा समय खराब कर रहे हो? पानी नहीं है? संगीता, ये नल में पानी क्यों नहीं आ रहा है? सुना है नीचे कोई नया किराएदार आया है। किराएदार? और मुझे खबर तक नहीं, ये कौन नीचे आ गया मुझसे बिना इजाजत लिए? देखो तो सही, हद हो गई। साले किराएदार पीछा ही नहीं छोड़ते, जरा शक्ल तो देखूं बच्चों की। ओ भाई नए किराएदार, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई कहाँ हो? अजीब उल्लू का पट्टा है, घर ही खुला छोड़ के चला गया। अरे भाई जरा शक्ल तो दिखाओ, जरा हम भी तो देखें के लो देखो। अरे तुम? हाँ मैं। कैसी लगी मेरी शक्ल? कितना समझाया था फिर भी उस सिंधी ब्रोकर के झांसे में आ गए। चलो हटो, चलो हटो, जल हटो। क्या है क्या ये? अरे धोना नहीं, हटो हटो, धोना है धोना है। कुछ मसाले की खुशबू आ रही है। हाँ, देखो भाई पड़ोसियों का भी कुछ ख्याल रखना चाहिए, और केला तो खासकर मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। कल जब आपने मुझ पर केले के छिलके फेंके थे ना, ये बात मैं उसी वक्त समझ गया था। अच्छा, मगर शक्ल से तो इतने समझदार लगते नहीं हूँ। क्या खुशबू है। ये केला छील के क्यों रखा है? अच्छा अच्छा अच्छा, नींबू डाला। भाई वाह वाह भाई, बड़ी अच्छी बात है। तुम भी रोज सवेरे उठकर केले खाते हो, अपन इकट्ठे खाया करेंगे। तुम ऊपर सीढ़ी चल के क्यों आओगे? मैं ही नीचे आ जाया करूंगा, बड़ा मजा आएगा। ये केले में मसाला बहुत अच्छा है। ये मसाला नहीं है। मसाला नहीं है? हाँ। तो क्या है? दवा है। दवा है? हाँ। कैसी दवा? जुलाब की दवा। जुलाब की दवा? हाँ। केला खाने से पहले बताया क्यों नहीं? अरे केला खाने से पहले पूछा क्यों नहीं? अरे मैंने जान पूछ कर तुमने डाला। आप फिक्र क्यों करते हैं, 5-6 दिन में ठीक हो जाएगा ना। 5-6 दिन? जी 5-6 दिन तुमको टिकने दूं तब ना। तब तक आते जाते रहिए ना। अरे आप, अरे बाप, अरे रास्ते में हो जाएगा जल्दी। आइए हुजूर आइए, आखिर लगता है मामा ने आपको भी झटका दे दिया है। मलकानी साहब, मैं शरीफ आदमी हूँ, कमजोरी डरपोक नहीं। मुझे वो मकान बहुत पसंद आया, किराया पूछने आया हूँ। अरे चपरासी, एक स्पेशल चाय। चपरासी, तुम्हारे 2 रुपए चेंज है। ये लो, 2 चाय लाना। अरे बत्ती क्यों नहीं जल रही? सबकी बत्तियां जल रही हैं, लगता है अपनी कुछ गड़बड़। ओहो, तो ये है गड़बड़। अच्छा बच्चू, दिखाता हूं। ये क्या कर रहे हो? तन्हाई में जवां दिल जो करते हैं। छोड़ो ना मुझे। मुझसे दूर मत जाओ, मेरे करीब आओ। नहीं, हाय राम, मुझे डर लग रहा है। अगर मामा जी ने देख लिया तो? मेरे करीब आओ। हाय, मजा आ गया। उल्लू के पट्टे, अभी बताता हूँ, उधर।
अबे ओ नए किराएदार, सामने आ, तेरा सर फोड़ दूंगा। मैं यहाँ हूँ मामा जी। क्या कैसी रही? अच्छा, खूब अच्छा। बेवकूफ बनाया खुलेआम, छठी का दूध याद नहीं दिलाया तो मेरा नाम नहीं। ओए, क्या करता है, क्या करता है? लुच्चे लफंगे किराएदार बन के चले आते, देख लूंगा तेरे को। देख लिया ना तुमने? क्या? मैंने कहता था कि नीचे किसी किराएदार को नहीं टिकने देना चाहिए। ओफो, हुआ क्या है? अरे, उसने अपने कमरे में एक परकटी लड़की को बुलाया है। परकटी लड़की? शायद हो सकता है उसकी बीवी हो। अरे, वो लफंगा कुआरा है अभी तक। हाँ। चार अंगुल के कपड़े पहनकर आई थी। ची 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 ची। अब आ ही गई तो क्या कर सकते हैं? मैं कुछ भी करूंगा मगर उसे यहां से क्लियर करके रहूंगा। कौन है? अरे कौन है? ओफो, क्या मुसीबत है। देखिए, दिखाइए। आपने सुबह से नल खोल कर रखा है, कुछ देर के लिए बंद कीजिए, ऊपर पानी नहीं आ रहा है। अजी, तो आप ऊपर खोल दीजिए ना, नीचे पानी बंद हो जाएगा। यानी कि आप झगड़ा करना चाहते हैं? क्या? मैं झगड़ा करना चाहता हूँ? हाँ, और नहीं तो क्या? हम झगड़ा करना चाहते हैं, नल क्यों नहीं बंद करते आप? कमाल है, इसका मतलब है मैं नहाऊंगी नहीं? सुबह से नहा ही रहे हैं। अजीब दादागिरी है, मेरी मर्जी है सारा दिन नहाऊं। यूं गाय भैंस की तरह नहाना है तो नदी तालाब में जाकर नहाइए। क्या गाय भैंस? ए मैम साहब, मुंह संभाल के बात कर। ए बाबू, छोड़। मैं कहता हूँ हाथ छोड़, छोड़। जाने दे तारा। अरे संगीता, तू यहाँ क्या कर रही है? देखिए ना मामा जी, सुबह से नल खोल कर रखा है और बंद ही नहीं करता। ए नए किराएदार, ये क्या गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी आपका पेशा होगा। ए मिस्टर, ए मिस। ए बाबू, तू मुझे नहीं जानता, मैंने बड़े बड़े लफंगे ठीक कर रखे। जाइए जाइए, मैं आपके बुढ़ापे का लिहाज कर रहा हूँ। बुढ़ा? मुझे बुढ़ा कहा? अरे बुढ़ा तू, तेरा बाप कुश्ती लड़के देख रहे। कहाँ लड़नी है? यहाँ लड़नी है, बाहर जाके लड़नी है? अरे तू मुझे नहीं जानता, मैंने बड़े बड़ों को पछाड़ दिया है। चला जा। नहीं नहीं संगीता, तू मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। अरे आ जा, आ जा, भागता कहाँ तू? अरे भागता क्यों औरत के दामन में? अरे जा जा, मैं भी देखता हूँ मुझे इस घर से कौन निकालता है। अब दिखाता हूँ। अरे, हमें तंग करने के लिए नल खोल कर चला गया। ये साहब ऐसे रास्ते पर नहीं आएंगे। कर दे मोरे बंद। संजय बाबू, ऐसे कैसे चलेगा भाई? ऐसे कैसे बात बनेगी? जब तक तुम उसको तंग नहीं करेगा तो जंग कैसे होगा? जब तक जंग नहीं होगा तो फैसला कैसे होगा? कुछ करो, कुछ करो, उसका जीना हराम कर दो। लेकिन कैसे? मैं बताता हूँ। उस कुत्ते मामा को भगाने के लिए तुम्हें कुत्ता पालो। कुत्ता? आइडिया तो अच्छा है। अच्छा है ना? लेकिन कुत्ता मैं दूंगा,
उस कुत्ते मामा को भगाने के लिए कुत्ता मैं दूंगा ऐसा कुत्ता दूंगा, अंग्रेजी कुत्ता, बीए पास, हाईली क्वालिफाइड कुत्ता भाई। अरे अंग्रेजी में भौंकता है, अंग्रेजी में सूंघता है, अंग्रेजी में सुसु, यानी सब काम अंग्रेजी में करता है। और उसकी सबसे खास बात बताऊं, उसके सामने किसी की भी तस्वीर को चूम लो ना, जिंदगी भर मोहब्बत करेगा। और किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो उसकी तस्वीर उसके सामने रख के उस पे जूता मारो। संदो, ये देख, ये रही तोरे वाली मुछे, दूसरी ये टोपी, और ये रहा जूता। सुन मैं साधो कहत कबीर, अबे नहीं, अबे अरे पजामा नहीं, अबे पजामा नहीं, हरामखोर, अबे कहाँ से आ गया? साले को छोड़ूंगा नहीं, कुत्ता कहीं का, समझ गए ना? हाँ। ये नीचे वाले की पिटाई करनी है। पिटाई के 500 रुपए लूंगा। अबे छोड़, 100 रुपया दूंगा। अच्छा चलो 300 रुपए, थोड़ी सी पिटाई के 300। हाँ चल 250 रुपए पक्का। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, अरे चिंता मत करो। ए राणेदार, राम राम करण दा स्टाइल है, उठ बटाले दिया चिकनिया कड़िया, 24 घंटे दा टाइम देना, जिस घर तू किराएदार रहना है वो खाली हो जाना चाहिए। मामा जी, अरे तेरी तो, अरे राणा दादा, राम राम भी आप करो और खातिरदारी भी आप करो, अच्छा नहीं लगता? थोड़ी सेवा करने का मौका इस गरीब को भी दो। मच्छरा, किस तरह लगी तेनु साड़ी खातिरदारी दा स्टाइल? ऐसे सड़क सी ते असी तेरी इनी खातिरदारी नहीं कर सके, किसी दिन टाइम करके घर आ, फिर देख तेरी की खातिरदारी करने आ। चंगा बाबू जी। अबे खैर, खाता किधर है, ध्यान से सुन जरा। तुम, अरे यहाँ क्यों आए? बाकी का पैसा लेने। बाकी के पैसे ले, मगर यहाँ क्यों आए मेरे कपड़े फड़वाने? चल ठीक है, वो नीचे वाले का बोरिया बिस्तर बांध दिया ना। अरे तुम्हारे उस नए किराएदार की वो मरम्मत की है, अरे वो मरम्मत की है कि 2 महीने तक बिस्तर से नहीं उठेगा। दाया हाथ तोड़ा तो बाई टांग, और बाई टांग तोड़ी तो क्या कर रहा है यार? हिसाब ही है ना तेरा, चुका दूंगा उधार से ही, जाओ यहां से, नमस्ते करो, जाओ। ठीक है नमस्ते, जाता हूं। चल 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 चल, नमस्ते करना भी नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, उस लफंगे को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, वरना वो हमको कितना तंग करता ये तो तुम जानती हो। हाँ हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि आपने निहायत ही बुरा और कितना घटिया काम किया है। ओ संगीता, मैंने सोचा कि मेरे जाने के बाद वो तुमको बहुत तंग करेगा। लेकिन आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आपके ऐसे करने से किसी की जान भी जा सकती है? पता नहीं इस दुनिया में उसका कोई है या नहीं। अरे बहुत बुरी तरह मारा रे, अरे लव लुहान कर दिया रे, अभी नीचे उतार उतार, नीचे क्या कर रहा है? हाँ ये ले 50, तुम दोनों मिलकर बांध लेना, चल फूटो निकलो यहां से जल्दी।
एक को चाचा ने मिलकर मारा रे, माँ का दूध पिया होता तो एक एक करके आते रहे। आई आ गई, बहुत मिलकर मारा रे। कौन? अरे अरे मैं कौन? मैं संगीता हूँ। संगीता, अरे अब आप यहाँ क्या लेने आई हैं? अभी कुछ और कसर बाकी है क्या? अब कौन करेगा दवा दारू? ऐसे मत कहिए, आखिर पड़ोसी किस दिन काम आएंगे? अरे कैसा पड़ोसी, मार मार कर मेरा कचुंबर कर दिया। अगर किसी पड़ोसी को मेरा दर्द होता तो मुझे हल्दी वाला दूध पिलाता। हाँ, मैं भी लाई। अरे सुनो सुनो, मैं जरा शक्कर तेज लेता हूँ। हाय मर गया रे, हाथ टूटा टांग टूटी, समझो छूटी नौकरी, कान टूटा आंख फूटी, हाय अब कौन देगा छोकरी? अरे आप घबराइए मत, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये लीजिए दूध पीजिए। अरे भाड़े के गुंडों से पिटवा दिया इस गरीब को, अब कह रही हो दूध पीजिए, मुझसे तो हिला तक नहीं जा रहा। प्लीज हो सके तो मेरी मदद कीजिए ना, प्लीज। दूध मजा आ गया। मेरा मतलब है कि मुझे पिटवाकर आपके मामा को बहुत मजा आया होगा, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं आते वक्त पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा कर आया था। अरे क्या कर रही हैं आप, नीचे क्यों रख रही हैं मुझे? सुनिए, वैसे तो मैं माफी मांगने लायक नहीं हूँ, फिर भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बुला लेना। जरूर, वैसे भी आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? हाय, यहाँ से खेलो, ऐसे वो क्या हुआ मामा, बड़े परेशान लग रही है। नहीं नहीं नहीं, वो तेरी माँ के पास जाने की सोच रहा हूँ, बड़ी याद आ रही है। ओ, बहन की याद आ रही है या पुलिस का डर सता रहा है? मैं क्यों पुलिस से डरूं? मैं क्यों डरूं? ये तो हो ही नहीं सकता। अरे संगीता, शायद तुझको नहीं मालूम तेरे मामा की पहुंच ऊपर तक है। हाय, संगीता जी, जी आपकी मेहरबानी से मैं चंद ही दिनों में चलने के लायक हो गया हूँ। मैंने जो कुछ भी किया एक पड़ोसी होने के नाते मेरा फर्ज था। आपने जो कुछ भी किया सिर्फ एक पड़ोसी होने के नाते? खत्म हो गया है, मैं भी आई। नमस्ते साहब जी। नमस्ते। ओए, तू तू यहाँ क्या कर रहा है? जानता नहीं तेरी मेरी दुश्मनी है। मामा भी बगैर पैसे देते भाग गया, दरअसल काम ते थोड़ा ही बने हैं, तुसी कुछ दे दो। पैसे चाहिए? हाँ। अबे दोबारा मार खानी है क्या? फिर मारोगे साहब जी तो ऊपर वाले लड़के को सब पता चल जाएगा, ये सारी छोटा चुठिया ने, ये एक्टिंग वाले सारे पोल खुल जाएंगे। हाँ देखिए ना कैसी बेकार की बातें कर रहा है। शट अप। अरे मां, क्यों के पास परे भी, मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम ऐसे आदमी हो। संगीता, शक्ल से कितने सीधे साधे लगते हो। संगीता, सीधा साधा तो मैं अब भी हूँ, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे करीब आने के लिए किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ संगीता। प्यार और तुमसे? अरे अरे संगीता। अरे वाह संगीता, कहाँ की तैयारी हो रही है? मामा, मैं सीमा की सगाई पे जा रही हूँ।
मेरी माजा, तू दिल में समाजा, ना जिद अब कर गोरिये, इस चिकने गोरे तन पे ना इतना अकड़ गोरिये। जैसे बोलिया बोलिया हरी मिर्ची के जैसे तेरी बोलिया बोलिया तेरे पतले हाथ जैसे गालिया गालिया सबके आगे क्यों देती है मुझे गालिया गालिया अरे सोनिए आज सीने से लगा लो तुझे अपने न मुझ पे बिगड़ गोरिए अब कर गोरिये इस चिकन गोर तन पे न इतना अकड़ गोरिये आजा आजा रे तू आजा चाहू ना तुझे जाजा बाहों में मेरी आजा ना मुझसे उलझ बेरी इस चिकन गोर तन पे न इतना अकड़ गोरिये ये कंपनी की तरफ से मिले हुए इस संजय शर्मा के बंगले में श्रीमती संजय शर्मा का स्वागत है। हम इस स्वागत से बहुत खुश हुए हैं, इसलिए आपकी पहली गुस्ताखी माफ करते हैं। गुस्ताखी? जी हाँ, इस बंगले को मिस्टर संजय शर्मा का बंगलो नहीं मिसेस संजय शर्मा का बंगलो कहिए। हुजूर, घर की मालकिन पत्नी होती है। ओहो, समझ गया मालकिन साहिबा, समझ गया। आइए, तो ये रहा आपका किचन जिसमें आप हर रोज हमारे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाया करेंगी। आइए 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 आइए। और ये रहा वो डाइनिंग टेबल जिसमें बैठकर हम वो आलू के पराठे आपके हाथ से खाया करेंगे। वो रहा गार्डन यानी बगीचा, बगीचा आइए आइए। और ये रहा ये रहा हमारा खाबगा, हमारा शयन कक्ष यानी कि हमारा बेडरूम। इस घर की शुरुआत यहीं से होगी ना। यहीं से? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इस घर की सारी रौनक इसी बेडरूम से आगे बढ़ेगी ना। समझ गई? जानते हो, मैं हमेशा यही सपना देखा करती थी कि मेरा छोटा सा प्यारा घर हो और उसमें एक देवता जैसा पति हो, और ऐसे सपनों के मंदिर में मैं अपना सारा जीवन गुजार दूं। आपके इस सपनों के मंदिर को बनाने वाले इस नाचिस को अगर आप उसका इनाम नहीं देंगी तो दुनिया आपको
एहसान फरामोश कहेगी। हम इस दुनिया को ऐसा कहने का मौका नहीं देंगे। ये हॉल के लिए। गुड। ये किचन के लिए। वेरी गुड। और ये गार्डन के लिए। एक्सेलेंट। लेकिन मैडम आप भूल रही हैं, घर में एक बेडरूम भी है। बेडरूम? बेडरूम से बेडरूम। अरे वाह, इनाम में बेईमानी। तो फिर मैं अपना हक लेकर ही रहूंगा। छोड़ो ना, रात भर दिल नहीं भरा। रात बहुत छोटी थी, पता ही नहीं लगा कैसे कट गई। मगर अब तो दिन निकल आया है, छोड़ो मुझे। अरे दुनिया की कौन सी किताब में लिखा है कि मोहब्बत दिन में नहीं की जा सकती। अगर दिन रात मोहब्बत होगी तो काम कब होगा। छोड़ो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। छोड़ो भी, आपके लिए चाय मैं बना कर लाता हूँ। अरे अरे, मेरे होते हुए आप किचन में काम करेंगे, मुझे भी बदनाम करेंगे और आप भी बदनाम हो जाएंगे। अरे वो मोहब्बत क्या जो सरेआम ना हो, अरे वो आशिक क्या जो बदनाम ना हो, और वो शोहर क्या जो बीवी का गुलाम ना हो। अजी मैंने शेर पढ़ा है, कोई जोक नहीं मारा। हंसे जा रही हो? ये क्या है, बोलो क्या है, क्या है, है क्या, ओ क्या, क्या हुआ? ये क्या? अरे मेरी लुंगी दे। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? अरे मैं कहता हूँ मेरी लुंगी दे दे। वो मेरे पास नहीं है। अरे मैं कहता हूँ तू मेरी लुंगी दे दे। मैं कह रही हूँ ना, मेरे पास नहीं है। एक काम करते हैं।
चलेगी, छोड़ूंगा ना संग में तेरा। जीजा जी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। अभी शादी को सिर्फ 3 महीने ही हुए, तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? और क्या करती? दिन में काम करती, तो सोती कब? तो सारी रात आंखों में गुजारती हो? नहीं, बाहों में। संगीता, ये क्या हुआ रे? शीतल, चीजा जी आखिर आपने अपनी जात बता ही दी। क्यों, क्या किया मैंने? वो तो आप कर ही चुके हैं। संगीता कहाँ है? उफ़ बता भी ना, आखिर हुआ क्या है? संगीता। मिस्टर शर्मा, आप जरा अंदर आइए। मिस्टर संजय, आपकी पत्नी मां बनने वाली हैं, मगर मगर क्या डॉक्टर? देखिए मिस्टर संजय, बतौर गायनेकोलॉजिस्ट के मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप उनका अबॉर्शन करवा दें। अबॉर्शन? क्या कह रही हैं आप? बच्चे को जन्म देते वक्त इनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर? कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप नहीं समझेंगे, फिर भी कल सुबह तक मैं आपको सारी रिपोर्ट्स लिख कर देती हूं। अब यहां क्यों खड़े हैं? अरे तुम यहां क्यों? क्या हुआ मुझे? कुछ नहीं, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है, चलो। जरूर कुछ छिपा रहे हैं, बताइए बात क्या है? लगता है तुम्हारे सपनों के मंदिर में चिराग नहीं जल सकता। सच सच बताइए बात क्या है? संगीता, डॉक्टर का कहना है कि इस बच्चे को जन्म देते हुए तुम्हारी जान जा सकती है। मैं चाहता हूं कि तुम अबॉर्शन करा लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संगीता, डॉक्टर गुप्ता बहुत बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट है, फिर भी इंसान है, भगवान तो नहीं है। सीप के कोख में पानी की एक बूंद भी मोती बन जाती है। कुदरत के करिश्मे किसी डॉक्टर के मोहताज नहीं होते।
संगीता तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, दिमाग का काम दिल से मत लो। क्या मैं नहीं चाहता कि इस आंगन में फूल खिले, लेकिन उसकी खुशबू की कीमत मैं तुमसे नहीं चुका सकता। मगर जब तक औरत माना बली अधूरी कहलाती है और वो अधूरा जीवन मैं नहीं जी सकती। मैं इस मंदिर की पुजारी हूं, इसलिए चिराग भी मैं ही जलाऊंगी। मेरा ये अधिकार डॉक्टर तो क्या भगवान भी नहीं छीन सकते। संगीता हाँ। संगीता अगर आपकी पत्नी नहीं मान रही तो बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे इस स्टेज पर सिर्फ एक इंजेक्शन से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। डॉक्टर गुप्ता, मैं अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ, आप उसे वो इंजेक्शन लगा दीजिए। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि वो मान नहीं रही। कहते हैं अगर झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाए तो वो सच से भी महान होता है। और फिर संगीता तो मेरी जिंदगी है। ग्यारह बजे डॉक्टर गुप्ता के यहां टॉनिक का इंजेक्शन लेने के लिए तुम्हें पहुंचना था। 11:15 यही बज गए। कभी कभी तुम बहुत जिद करती हो, मंदिर बाद में भी आ सकते थे। नहीं, बाद में बहुत देर हो जाती। डॉक्टर के पास जाने से पहले मेरा मंदिर आना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि जो इंजेक्शन मुझे दिया जा रहा है वो टॉनिक नहीं, जहर है। एक ऐसा जहर जो मुझे तो जिंदा रखेगा लेकिन मेरे अरमानों को मार देगा। एक ऐसा जहर जो अपने पति के कहने पर अमृत मानकर पीना पड़ेगा। संगीता, जिंदगी और मौत के जिस दोराहे पर आज तुम खड़ी हो, उस जगह मैं खड़ा होता तो तुम क्या करती? इसका फैसला ईश्वर को ही करना है। इससे पहले तो इस फकीर की झोली में भीख डालने के लिए तुझे कभी लौट के वापस आना नहीं पड़ा। परेशानी क्या? नहीं बाबा, मंदिर में चिराग जलाने की कोशिश कर रही हूं। नहीं बेटी, शब्दों के चादर से मन की बात छुपाने की कोशिश कर रही है। ऋतु, उस पवित्र चौखट को छू कर आइए जहां माथा टेकने के बाद मन के सारे दुख मिट जाया करते हैं। बाबा, डॉक्टर का कहना है कि संगीता कभी मां नहीं बन सकती। कहने वाले तो कहते रहते हैं बेटा, वो तो सुख का भंडार है और सच्चे मन की तपस्या जो है उस भंडार की चाबी है। यदि अगर तूने सच्चे मन से प्रार्थना की है तो तेरे ममता के चिराग को रोशन होने से कोई नहीं रोक सकता। वो करताल अगर चाहे पत्थर में फूल खिलाए, वो करताल अगर चाहे पत्थर में फूल खिलाए, अनहोनी को होनी कर दे, कोई समझ न पाए पाए, कोई समझ न पाए। अपरम पार है लीला उसकी रहमत बे अंदाज, के अल्लाह बहुत बड़ा है, के मौला बहुत बड़ा है, के
अल्लाह बहुत बड़ा है के माला बहुत बड़ा है। हे भगवान, उस औरत को मां कैसे कहेंगे जो बच्चे को जन्म दे तो दे मगर उसे अपना दूध न पिला सके। मुझसे जो चाहे ले लो, लेकिन मेरी संगीता मुझसे मत छीनो प्रभु, मत छीनो। कांग्रेचुलेशन मिस्टर शर्मा, आपको बेटा हुआ है। मगर मेरी बीवी कैसी है? वो ठीक है, बट आई एम सॉरी, भगवान की यही मर्जी, वो अब दोबारा मां नहीं बन सकती। मेरे लिए यही काफी है, थैंक यू सो मच। हेलो मुन्ना, सो गया बेचारा। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। व्हाट अबाउट मी? ये लीजिए। अरे ये क्या, इनके लिए गुलदस्ता, मेरे लिए एक सिंगल फूल। जीजा जी, आपका तो बस इतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। साली जी, मैं आपका सब फोड़ने वाला हूँ। अरे मेला मुन्ना, मेला बाबा। मेरे राजा बेटा क्यों रो रहा है? हंसने का नाम ही नहीं लेता। छह महीने का हो गया, अभी तक चुप कराना नहीं आता, और दोष दे रही है बाप को। आजा बेटा, आजा बाप के पास, आजा। रोना नहीं, रोना नहीं, बाप की इज्जत का सवाल है। आजा आजा आजा, मौका मिल गया बेटा, अब मम्मी के पास नहीं जाएंगे। मैं भी देखती हूँ कितनी देर रखते हो। अरे इसे लेकर तो मैं सारी जिंदगी गुजार दूँ, आखिर बाप हूँ। देखना, ये मुझसे भी बड़ा ऑफिसर बनेगा, तुम्हारी तरह कथकली थोड़ी करेगा। ता थई 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 ता थई 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 ता थई ता संगीता ता। लो पकड़ो इसे। क्यों क्यों, क्या हुआ? अभी तो सारी जिंदगी की बात कर रहे थे। अरे बात तो कर रहा था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये इतनी जल्दी कर देगा। कहो कैसी रही? उफ, फिर कभी बिना पूछे अंदर आओगे? ए, अपने घर में आने से पहले किसी से पूछना पड़ता है क्या? सपनों का मंदिर यही है ना? ये तो बाहर लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ सकता है। आ? अच्छा, सोनू तुम्हारा ही नाम है ना? हाँ, तो बताओ ये कैसे जान लिया मैंने? मेरा नाम तो पूरी कॉलोनी जानती है, हीरो हूँ मैं इस कॉलोनी का। अरे वाह, तो हीरो साहब जरा इधर आइए, एक पप्पी दीजिए, मैं आपका नाना हूँ। झूठ, मेरे नाना को तो मरे हुए कई साल हो गए। नाना मतलब बेटा, मैं तेरी मम्मी का मामा हूँ। ये आदमी कुछ गड़बड़। ए मिस्टर, साफ साफ बता दो किस चक्कर में हो? तू तो अपने बाप से भी ज्यादा टेढ़ा है। मेरे पापा के लिए कुछ मत बोलना, वरना 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 क्या कर लेगा तू? दिखाऊ? हाँ दिखाओ। सैंडो। सैंडो? अरे ये सैंडो नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे रोको इसको, रोको इसको। अरे रोको, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे रोको, अरे बाप रे, अरे अरे रोको, ये सैंडो काट लेगा, मुझे सैंडो काट लेगा, रोको। अरे भाई मैं सच कह रहा हूँ, मैं तेरी मम्मी का मामा हूँ, तू जाके पूछ ले उससे, मैं कहता हूँ जाके पूछ ले। अरे सैंडो, सोनू। अरे संगीता, मुझे बचा ले। अरे मामा, आप मुझे बचाओ, इस जालिम सैंडो से बचाओ। लेकिन मामा, आप वहां क्यों चढ़े हैं? अरे मैं चढ़ा नहीं हूँ, चढ़ाया गया हूँ इन दोनों की बदमाशी से। वो कुछ नहीं करेगा। नहीं, आप नीचे आइए ना। नहीं, उसको हटाओ, उसको हटाओ पहले। सैंडो। देखा शिमला से आते क्या हाल किया तुम्हारे बेटे ने। सुनो, सॉरी बोलो, ये अपने शिमला वाले मामा हैं। ओ, तो आप शिमला से आए हैं? यानी शिमला वाले मामा के नाम से जान जाते मुझे? हाँ। अरे तो कुत्ता बुलाने से पहले तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ? कुत्ता बुलाने के पहले आपने बताया क्यों नहीं मैं कहाँ से आया हूँ? देखा देखा, बिल्कुल अपने बाप की तरह ना, आप शराब बकता है। फिर पापा का नाम सैंडो? नहीं नहीं, सैंडो सैंडो, बाप रे, सॉरी सॉरी। माफ करना भाई। आइए मिस्टर 30 प्लस, क्या सेवा करूँ आपकी? अजी नहीं बोरो प्लस, सेवा तो हम अपनी बीवी की करते हैं। जरा ये लिस्ट बांध दो। हिमानी ग्लिसरीन सोप,
हिमानी गोल्ड टर्मरिक क्रीम, इमामी टेलकम पाउडर, ये सब भाभी के लिए के। बनिया जी, किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम्हारी भाभी इतनी खूबसूरत है कि। अरे मेरा पर्स। वो तो मुझे मालूम ही था। क्या टक्कर मार कर वो अपना चक्कर चला गया सब। चिकने बच्चे को गाय को लपेट दिया है। आपकी तारीफ। गुल्लू, इस लौंडे का गॉडफादर हूं मैं।
और देख आइंदा इस बच्चे को हाथ मत लगा दियो वरना काट के लपेट दूंगा। चल फुट। गॉडफादर जी, आपके लाडले ने मेरी मेहनत की कमाई लूटी है। अबे तक क्या हो गया, मेहनत की कमाई और हाथ की सफाई का तो बड़ा पुराना रिश्ता है। अबे सुन, ये 450 रुपए बल्ली के लिए पिटने चला। अबे लपक ले वरना मेरे हाथ से कटकट आ जाएगा। जब तक तू फटफटा नहीं जाएगा तब तक तू नहीं मानेगा। अरे ये बात है, अगर माँ का दूध पिया है तो ये पर्स उठा ले। चल। मेरे खून की एक एक बूंद मेरे माँ के दूध से बनी है, अब देखना यह है कि तेरे खून की बूंदें किसके दूध से बनी है। ये पर्स उठाकर तू अपने हाथों से मुझे देगा। मैं? हाँ। अभी दे दूं? कितना लपेटेगा भाई ये पर्स। संजय नाम है मेरा गुलूमल, मेहनत की कमाई और हाथ की सफाई से ज्यादा पुराना रिश्ता है शरीफ की सच्चाई और चोर की पिटाई का। इसलिए आइंदा कभी किसी शरीफ की पॉकेट नहीं मारना, समझा? नहीं नहीं, पॉकेट नहीं मारूंगा तो क्या लाल किले के सामने भीख मांगू? उस्ताद वो माल ले गया। अबे तो ले जाने दे, समझा कर, नशा कुछ ज्यादा हो गया, लड़ाई नहीं जा रही है, फिर किसी दिन लपेट दूंगा इस चिकने को। अरे ये क्या, लगता है सोनू बाबा की मम्मी ने आज पिटाई की है। नहीं वो मम्मी मुझे कभी नहीं मारती। तो फिर नीलम टीचर ने स्कूल में मुर्गा बनाया होगा। नहीं, मेरा होमवर्क कंप्लीट था। एंड स्टॉप प्लीज, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मैं भी। अरे मामा जी आप, हाँ। आप कब आए? हाँ। और आते ही भड़का दिया मेरे बीवी और बेटे को। लो मैंने भड़का दिया और वो भी तुम्हारे बेटे को। अरे तुम्हारा नाम लेते ही मुझे दीवार पर चढ़ा दिया था। हाँ। बेटा अब तो हंस दिए, अब तो बता दो क्यों नाराज थे आप, इतनी देर से क्यों आए? अरे बेटा हुआ ऐसे कि किसी ने हमारी जेब काट दी और हमने उस जेब कतरे की वो कस के धुलाई की है। ये देखा मेरे पापा कितने स्ट्रॉन्ग है। हाँ देखे तेरे पापा, देखे आपके मामा, सैंडो से डर गए। सुनू धत तेरे की, आज फिर पकड़ लिया ना। आप कैसे जान लेते हैं कि मैं आ गया? मन की आंखों से देखकर। ये मन की आंखें क्या होती हैं बाबा? बेटा जिसको इंसान बहुत प्यार करता है ना, वो उस इंसान के मन में रहता है, और जो मन में रहता है उसको चेहरे की आंखों से देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे मन की आंखों से देख लिया जाता है। उन आंखों को मन की आंखें कहते हैं। मम्मी पापा और सांडो भी मुझे आपकी तरह अपनी मन की आंखों से देख सकते हैं? हाँ बेटा, सब तुम्हें मन की आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि सब तुम्हें प्यार करते हैं ना।
अच्छा बाबा योक्रे अल्लाह ओके ओके चुप कोई शोर नहीं मचाएगा जो मचाएगा वो मार खाएगा समझी हे इधर आओ इधर आओ मुर्गा बन जाओ मुर्गा बन जाओ सोनू तुम मुर्गा बन जाओ मुर्गा ऐसे बनते हैं चुप कोई शोर नहीं मचाएगा जो शोर मचाएगा वो मार खाएगा समझे खाओ दादा सोनू दादा विकी ने मेरा टिफिन खा लिया अच्छा उसे कहना अगर हिम्मत हो तो मेरा टिफिन खा के बताए अच्छा सोनू ने कहा है अगर तुम में हिम्मत हो तो उसका टिफिन खा के बताओ उसने ही कहा चलो देखता हूँ मैं आ गया हूँ तेरा टिफिन खाने मैंने तो ऐसे ही खा था मैं भूखा रह जाऊंगा हट अब देखी मेरी हिम्मत मिर्ची मिर्ची पानी अरे आजकल आप कहाँ है दिखाई नहीं देती शिमला वाले मामा आए हुए हैं अरे मुझे बताया नहीं मामा जी आए हुए हैं नहीं तो मैं मिलने आ जाती मम्मी अच्छा मैं चलती हूँ उठा लो उस्ताद देगा मैं शायद लग जाए अबे टाट के बेबन तू तो कागज की बेगम की बात कर रही है यहाँ तसली बेगम आ रही है साड़ी लपेट के हाय मेरे सपनों की रानी अरे एक बार तो मुस्करा के देख ले लपेट के अच्छा लिपट लिपटा ले लगता है तुम पिटाई बिना बाज नहीं आओगे सुनो ऐसे गुंडों के मुंह नहीं लगा करते चलो देख गुस्से में भी कितनी हसीन लगती है लपेट के हाँ उस्ताद नहीं संगीता उम्मीद पापा पापा आ गए पापा आ गए बहुत छोरा होशियार है डेढ़ फुट का छोरा और गज भर लंबी जबान हाँ अब तो ये बहुत बोलने लगा है आज तो उस गुंडे से भी लड़ाई शुरू कर दी थी क्यों पापा आज मामी ने होमवर्क नहीं करवाया ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो सॉरी पापा पापा मामी से पूछो तो भाई तुमने होमवर्क क्यों नहीं कराया मिसेस मल्होत्रा अभी तो गई है और उन्हें बार बार बैठने को कौन बोल रहा था देख ले सोनू तू मेरी शिकायत करेगा तो मैं भी तेरी शिकायत अरे वाह के बच्चे सुबह से शाम तक मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है शाम को पापा के आते ही पापा 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 ऑर्डर 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 तुमने जो बोलना था बोल लिया अब अगले को भी बोलने का चांस दो ना पापा हाँ बेटा अगर मामा जी होते तो सैंडो को भी कंपनी मिल जाती बेचारा अकेले बैठा है चल सैंडो अरे
छुपे जहाँ जहाँ तुझे ढूंढूं वहाँ वहाँ मुझसे छुपेगा कहाँ छुपेगा कहाँ जो मैं छुप जाऊँ कहीं नजर नहीं आऊँ बोलो ढूंढोगे कहाँ लो मैं छुप गया ढूंढो मैं छुप छुपे जहाँ जहाँ तुझे ढूंढूं वहाँ वहाँ मुझसे छुपेगा कहाँ छुपेगा कहाँ सामने जब आएगा सामने जब आएगा अरे कहाँ है तू कहाँ है हारी मानी ना हाँ बाबा हारी मानी मानी लो मैं आ गया देखो मैं आ गया लो मैं आ गया देखो मैं आ गया जो मैं छुप जाऊं नजर नहीं आओ बोलो ढूंढोगे कहाँ रखूंगी छुपा के तुझे अपनी निगाहों में तू जाएगा कहाँ रखूंगा पकड़ के तुझे अपनी मैं बाहों में तू जाएगा कहाँ गुड मॉर्निंग पापा गुड मॉर्निंग बेटा पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्यों आई एम नॉट फीलिंग वेल मैं ठीक नहीं हूँ हाँ कल पूरा दिन घूमता रहा ना इसलिए थक गया है इसका मतलब है आप मुझे इनडायरेक्ट वे में ये कह रहे हैं कि मैं इसे छुट्टी करने दूं देखो जी मुझे ये छुट्टी वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं वैसे भी कल से स्कूल में 10 दिन की छुट्टियां हैं जाहिर है इसे आज होमवर्क मिलने वाला हो क्यों भाई चलो बेटा स्कूल की तैयारी करो इमामी नेचुरल रिपेयर गोरेपन की क्रीम गोरे रूप रंग की नई बहार डार्लिंग आज भी स्कूल का पीछा नहीं छोड़ा कल से स्कूल में 10 दिन की छुट्टियां हो रही है मैं सिर्फ होमवर्क देकर निकल आऊंगी तुम्हारी यही बात मुझे पसंद नहीं तुम वही आ जाना ना अब हॉलीडेज पर जाते जाते भी तुम स्कूल का पीछा नहीं छोड़ो लो बस आ गई चला चला बच्चा लोग चला चला उतरा चला चला सुनो सुनो बस रुको सोनू नहीं उतरा और तुमने बस चला दी मैम साहब इस स्टॉप के सारे बच्चे यहीं उतर अरे बेकार की बात मत करो सोनू अभी तक नहीं उतरा समझे सोनू सोनू कहाँ है कहीं तुमने उसे गलत जगह तो नहीं उतार दिया हो सकता है सोनू गलत बस में बैठ गया हो वापस स्कूल में पहुंच जाएगा
खून में पहुंच जाएगा। आइए मिस्टर शर्मा, क्या बात है? मैं सोनू को देखने आई हूँ, वो स्कूल से वापस नहीं आया। मगर यहाँ से तो सारे बच्चे जा चुके हैं। तो फिर कहाँ गया होगा? हो सकता है बस से गया ही ना हो, कल से स्कूल की छुट्टियां हो रही हैं, मुमकिन है आपने किसी दोस्त के घर चला गया हो। दोस्त के घर? आप परेशान ना हो, आइए फिर भी चपरासी से पूछ लेते हैं। अरे रामू जी, स्कूल में कोई बच्चा तो नहीं है? नहीं साहब, सब देख कर आ रहा हूं, स्कूल में कोई बच्चा नहीं है। यहां तो कोई बच्चा नहीं है। थैंक यू साहब। इट्स ऑल राइट। अरे संगीता, कहाँ चली गई थी तुम? मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। सोनू कहाँ है? पता नहीं सोनू कहाँ है। क्या क्या मतलब? मैं सोनू को लेने गई थी, वैसे सब बच्चे उतरे लेकिन सोनू नहीं था। कहीं वो स्कूल में तो नहीं रह गया? नहीं, मैं वहां भी गई थी, प्रिंसिपल साहब से भी मिली और उसके क्लास के बच्चों से भी पूछा था, मगर किसी को कुछ पता नहीं। तो फिर कहां गया होगा? खैर तुम फिक्र मत करो, मैं देख कर आता हूं। नहीं, मैं भी आपके साथ चलती हूं। नहीं नहीं, तुम घर पर रुको, शायद वो किसी के साथ बाद में आ जाए, मैं देख कर आता हूं। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ स्कूल तक होती है, बच्चों को बस में चढ़ाने के बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, दैट्स ऑल। बड़े अफसोस की बात है, आप जैसा जिम्मेदार इंसान ऐसी बातें कर रहा है। मिस्टर शर्मा, हमारे स्कूल में 2000 बच्चे हैं, अब मैं हर एक बच्चे को बस में तो बिठा नहीं सकता। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि आपके स्कूल में 2000 बच्चे हैं, लेकिन मेरा तो एक ही बच्चा है, उसे कहाँ तलाश करूँ? मैं आपकी परेशानी समझता हूँ मिस्टर शर्मा, लेकिन मुझ पर नाराज होने से सोनू तो मिलेगा नहीं, बेहतर है आप इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में करें। मिस्टर संजय, अभी मैं सभी पुलिस स्टेशन में मैसेज भेज देता हूँ। हम भी बच्चे को तलाश कर ही रहे हैं, जैसे मिल जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उस्ताद, देखा उस्ताद कैसी भीगी बिल्ली बना जा रहा है? चिकना जा रही है। अबे भीगा चूहा बोल, इसे तो मैं ऐसा लपेटूंगा कि इस दुनिया में कोई इसका नाम लेने वाला ही नहीं बचेगा, समझा? हेलो, कुड आई स्पीक टू मिस्टर संजय शर्मा प्लीज? जी वो घर में नहीं है, आप कौन बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर आकाशी, कुछ देर पहले उन्होंने अपने बेटे सोनू के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। हाँ बोलिए इंस्पेक्टर, मैं सोनू की माँ बोल रही हूँ। मिस्टर शर्मा? हाँ बोलिए इंस्पेक्टर, क्या बात है? मिस्टर शर्मा, बेहतर होगा अगर मैं संजय बाबू से बात करूं। प्लीज इंस्पेक्टर, बात क्या है? मिस्टर शर्मा, जुहू बीच पर एक 5-6 साल के बच्चे की डेड बॉडी मिली है। हेलो, हेलो मिस्टर शर्मा, आप सुन रही हैं ना? हाँ, मगर इंस्पेक्टर सोनू अकेला बीच पर कैसे जा सकता है? आप एक काम कीजिए, कूपर हॉस्पिटल के मॉर्ग में जाकर बच्चे की शिनाख्त कर लीजिए, हवलदार अशोक आपको वहीं मिलेगा। Thank you.
दोनों नहीं आया। मैं अभी अभी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा के आया हूँ। अभी अभी उसका फोन आया था, वो इंस्पेक्टर झूठ बोल रहा है। क्या संगीता, मुझे ठीक ठीक बताओ क्या कहा इंस्पेक्टर ने? संगीता मुझे जल्दी बताओ क्या कहा इंस्पेक्टर ने? वो झूठ बोल रहा है, उसने कूपर हॉस्पिटल के मॉर्ग में बच्चे की शिनाख्त के लिए बुलाया है। मॉर्ग में शिनाख्त के लिए? मैं जानती हूँ वो सोना नहीं हो सकता, भला इतना छोटा सा बच्चा घर इतनी दूर कैसे जा सकता है? इन पुलिस वालों को क्या है जो मुंह में आगे बंद देते हैं? वो सोनू नहीं हो सकता है ना? आप चुप क्यों है, बोलिए ना। वो सोनू नहीं हो सकता है ना? संगीता धीरज से काम लो। वो सोनू इतनी दूर कैसे जा सकते हैं? वो सोनू नहीं हो सकता, वो सोनू नहीं हो सकता। संगीता मुझसे गाने की फरमाइश कर रहा था। हो सकता है वो नन्ना फरिश्ता अपने माँ बाप की मोहब्बत की परीक्षा ले रहा हो या फिर अपने माँ बाप से आग में चुली खेल रहा हो। मगर पापा भूखा प्यासा मैंने इसे जान स्कूल में ना घर में ना हॉस्पिटल में काहे को घबराए बंदे काहे छोड़े आशा, काहे को घबराए बंदे काहे छोड़े आशा, देख रहा है मालिक दुनिया जो भी करे तमाशा, दुनिया जो भी करे तमाशा, उसे खबर है कौन किधर वो जाने सबका राज, के अल्लाह बड़ा है। अरे नहीं नहीं बॉस को जाने दो दिल्ली, उनका दिल्ली जाना बहुत जरूरी है। हाँ मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दी है। ओके थैंक यू। पापा मम्मी को बताना नहीं, वो मुझे मंदिर नहीं लेकर गई थी ना, अब मजा चखाता हूँ। सोनू कहाँ है? तुम्हारे साथ ही तो गया था मंदिर। मेरे साथ नहीं तो आपके सामने तो छोड़कर गई थी। अरे तो फिर यही गई, बाहर खेल रहा होगा। बाहर से तो मैं आ रही हूँ, सोनू बाहर नहीं है। सोनू 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 पता नहीं कहाँ चला गया, आप फाइल में खोए हुए हैं। मैं पूछती हूँ सोनू कहाँ है? अरे बाबा यही कहीं होगा। ओफो यही कहीं कहाँ होगा, कहीं मेन रोड पर तो नहीं गया, कितना ट्रैफिक है वहाँ। अरे बाबा जाकर देखता हूँ मेन रोड पर। जाइए ना। ओफो इतना परेशान क्यों हो रही हो? ओफो ये परेशान होने वाली ही बात है, मैं तो कहकर भी गई थी कि जरा ध्यान रखना, इतना सा बच्चा है कहीं दूर चला गया तो। सुनिए
कुछ करिए, कुछ तो कीजिए, ऐसे तो सोनू नहीं मिलेगा। नीलम क्या देखे, शायद उसे मालूम हो कि सोनू कहाँ है। कोई है? रामू, रामू, मैं सोनू हूँ रामू, दरवाजा खोलो रामू, रामू। कोई है? खोलो रामू, मैं सोनू रामू, सुनते क्यों नहीं हो रामू? रामू दरवाजा खोलो रामू, मैं सोनू रामू, इधर देखो ना रामू, रामू मैं सोनू रामू, दरवाजा खोलो। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, शाबाश शाबाश बेटा, चुप हो जा मेरा राजा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा बेटा। मुन्ना क्यों रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है? इसके पेट में दर्द हो रहा है चंपा, शायद सुबह की गाड़ी से नहीं जा पाएंगे। रामू दरवाजा खोलो रामू, मैं सोनू, कोई है? से पूछते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपके पड़ोसी नीलम मेरा कहाँ है? नीलम तो आज सुबह खंडा लगी है 5 दिन के लिए। क्या हुआ? सोनू का किसी को ध्यान दिया होगा कि नहीं? सोनू का ध्यान? क्यों? क्या हुआ उसे? आज सुबह ये जो होमवर्क मैंने तुम्हें दिया है, ये तुम्हें 10 डेज की हॉलीडेज में यानी कि 10 दिन की छुट्टियों में कंप्लीट करके लाना है। हाँ, इसके साथ एक काम तुम्हें और करना है, 10 वाइल्ड एनिमल्स यानी कि 10 जंगली जानवरों की तस्वीरें कलेक्ट करके ला। सोनू? यस। क्या बात है, तुम होमवर्क नोट नहीं कर रहे हो? बाद में कर लूंगा। क्या हुआ सोनू? मेरी तबीयत खराब है टीचर। अच्छा, ओहो, तुम्हें तो बुखार है। एक काम करो, तुम यही लेट कर आराम करो, क्लास खत्म होने पर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। हाँ, आराम करो। अच्छा तो बच्चों, तुम्हें से जो कोई भी अपना होमवर्क सबसे अच्छा करके लाएगा। जब मैं नीचे आई तो तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, तुम्हारी जल्दी जल्दी में मुझे सोनू का ध्यान ही नहीं रहा। यार प्लीज नीलम, अब ये मत कह देना कि अभी तक सोनू लास्ट बेंच पर सो रहा होगा। आप बच्चों की आदत को नहीं जानते,
बेल बजते ही सर पे पैर रखकर ऐसे भागते हैं ना जैसे किसी जेल से छूटे हो। जरा सोचो, 10 दिन की छुट्टियां हैं, चौकीदार ने सारी क्लासरूम्स को बाहर से लॉक कर दिया होगा, और सोनू 10 दिन के लिए स्कूल में बंद। नीलम, तुम टीचिंग छोड़कर जासूसी नॉवेल लिखना शुरू कर दो, लेकिन अभी नहीं, सुबह शुरू करना। अभी सो जाओ। तुम्हें तो हर बात मजाक लगती है। हवलदार साहब, कालर क्यों लपेट रही हो? चल तो रही अबे चल। अबे अजीब गुंडागिरी है। साहब, ये रहा गुल्लू। जयराम जी की इंस्पेक्टर साहब, मुझे पुलिस स्टेशन बुला के किस चक्कर में लपेट रही हो? तुम जैसों को पुलिस स्टेशन में क्यों लाया जाता है जानते हो? अरे साहब, आपको किसी ने गलत बता दिया, चोरी चकारी का धंधा तो मैं कब का छोड़ चुका हूँ लपेट के। हाँ, तभी तो आजकल बच्चों को उठाने का धंधा शुरू किया है। क्यों? अबे किस चक्कर में लपेट रही है? हरामजादे संजय शर्मा को जानते हो कि नहीं? संजय? अरे वो सपनों की रानी वाला, सपनों का मंदिर वाला। हाँ वही, जिसके बेटे सोनू को आज दोपहर को तुमने स्कूल से किडनैप किया है। अबे लपेटे जा रही है, लपेटे जा रही है। कल रात से लेके आज शाम 6 बजे तक मैं अंधेरी रेलवे स्टेशन के लॉकअप में सो रहा था। अच्छा, यकीन नहीं आ रहा? अबे तो पता कर ले, खड़ा मुंह क्या देख रही है, पता कर ले। हम तो सभी जगह फेमस है साहब। हवलदार, फोन करना। जाओ, जेंटलमैन पर तो भरोसा ही नहीं है। वहां बंद क्यों था तू? अब क्या बताऊं यार साहब, गरीब की मजबूरी भी इस दुनिया को चोरी लगती है। बोरी वल्ली से आ रहा था, रास्ते में टिकट खो गया, पता नहीं कैसे खो गया, रखा तो लपेट के था। टीसी ने विदाउट टिकट कह के धर लिया। मैंने बहुत कहा, देख भाई जेब फट रही है। कान लगा, नहीं मैं तुम्हारे जैसे टपोरियों को जानता हूं। अब देखो, मुझे टपोरी कह रहा था, मुझे जेंटलमैन को। साहब, ये ठीक बोल रहा है। सुना अजी, झूठ तो मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है। वो क्या है ना कि भगवान जब लपेटता है तो अच्छे के लिए लपेटता है। अगर वो टीसी कल मुझे 1 दिन के लिए नहीं लपेटता तो उस्ताद आज तो तुम मुझे लंबाई लपेट रहे थे, और वो भी बगैर बात के। अबे फट साला जेब कतरा, चल यहां से। जा रही हूं, जा रही हूं। कमाल है, शरीफ आदमी का तो जीना ही मुश्किल हो रही है। चल भाई यहां से निकल। कमाल है, पुलिस ऐसी है तो साले गुंडे कैसे होंगे। कैसे हो गुप्ता? आगे उस्ताद, खूब बान लपेट रही हो। दावे क्या बात होगी उस्ताद? मैं ना फसू, साले पुलसी है, मुझे लपेट रहा था। अपनी सपनों की रानी है ना। अच्छा अच्छा, उसका लौंडा गायब हो गया, भाई लोग सोच रहे थे कि मैंने उठाया। तो फिर उस सोते ने आपका नाम लिया होगा। कौन सोता? अच्छा 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 अच्छा, मेरी डार्लिंग का घर वाला। चिकने को 1 दिन ऐसा लपेटूंगा कि लाल किला। खंडाला छोटे से हिल स्टेशन है, कुछ होटलों में ढूंढने से नींद जरूर मिल सकती है। नीलम तो मिल जाएगी, लेकिन ये जरूरी थोड़ा है कि सोनू भी उसके साथ हो। हो सकता है कि नीलम ने मैसेज भेजा हो, पर वो आदमी मैसेज देना भूल गया हो। चलो किसी और टीचर के यहाँ देखते हैं। ए, मेरे सपनों की रानी, कब लपेटूंगा मैं इसे? आज ही क्यों नहीं उस्ताद, रास्ता तो साफ है। क्या बकरी है, इसका घर साफ कर दूं तो पंखे का हिसाब भी साफ हो जाएगा। हाँ। मतलब एक तीर से दो निशान है। लौंडे तू यहीं ठहर, मैं अब भी इसका घर लपेट के आ रही हूं। कोई फोन नहीं उठा रहा है। संजय और संगीता भी सोनू के साथ स्कूल में सोने चले गए होंगे। Yeah.
साला कुत्ता आके लाल किले की गर्लफ्रेंड छोड़ ही नहीं दिया था। ये अलमारी खुल जाना अभी है। साले अच्छे अच्छे ताले। ये साले अमीर लोग रात को किसको फोन करते हैं? हेलो हेलो, किसी ने फोन उठाया था पर रख दिया। उठाऊं कि नहीं उठाऊं? हेलो भाई साहब। भाई साहब, मैं नीलम बोल रही हूँ। सोनू की तबीयत कैसी है? ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? थैंक गॉड। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज होंगे। दरअसल सोनू को क्लास में सोने के लिए कहकर जब मैं नीचे आई तो रमेश की जल्दबाजी में किसी को भी बताना भूल गई। आई एम रियली वेरी सॉरी। ओके ओके, गुड नाइट। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा मतलब है नीलम सोनू को अपने साथ खंडाला ले गई है, वो भी हमें बताए बगैर? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, अपना सोनू भी तो जिद्दी है। उफ़, मेरा मन कह रहा है वो जरूर नीलम के पास ही होगा। उफ़, संगीता तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम खंडाला जाओ और मेरे बेटे को ले आओ। मैंने पुलिस में भी तो कंप्लेन। ऐसी बातें कर रहे हो? अगर वो यहाँ होता मुझसे दूर क्यों होता? मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात मान लो। तुम खंडाला जाओ और मेरे बेटे को ले आओ। संगीता, एक माँ की पीड़ा क्यों नहीं समझते हो? धीरज रखो संगीता। हाँ, क्या धीरज रखो? आज तक एक पल भी मुझसे दूर नहीं रहा। मेरा मन कह रहा है वो जरूर नीलम के पास ही है। तुम खंडाला जाओ और मेरे बेटे को ले आओ। मैं उसके बगैर जी नहीं सकती, जी नहीं सकती। संगीता, 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 मत रो संगीता, मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ। सोनू तुझे भी नहीं मिला ना? पता नहीं वो कहाँ छुप कर बैठा है। लौंडा हाथ लग जाए तो माल ही माल है। उस्ताद क्या है? भागे माल मांगने आया था। अबे तुझे सपनों की रानी के लौंडे का स्कूल मालूम है? वो तो कल्लू को मालूम है उस्ताद। मुझे मालूम है उस्ताद। तुझे मालूम है? Thank you.
चलो ड्राइवर। यहाँ भी नहीं साहब? नहीं, यह खंडाला का लास्ट होटल था साहब। आई तो खंडाला थी, कहाँ गई होगी? भोपू लाए, भोपू भोपू में चिल्लाएंगे, पता चल जाएगा कहाँ है साहब। भोपू का आइडिया अच्छा है। मिसेस नीलम मेहरा, जहां भी हो बाहर आए। मिसेस नीलम मेहरा, ये लो भाभी। दो पेट में चूहे कूद रहे हैं, उछल उछल कर पूछ रहे हैं कौन सी दाल बनाई है, कितनी देर लगाई है, भूख के मारे हाल बुरा, आज खिला दो साग हरा, दूध मलाई रहने दो, जो कुछ भी है आने दो। चुप, शोर शराबा बंद करो, मेरी बात पर ध्यान धरो। घर में काम है बहुत तेरे, दो ही हाथ तो है मेरे, इतनी जल्दी है तुमको, एक नौकर तो ला दो हमको। हाँ मम्मी मम्मी खाना दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं, मम्मी मम्मी खाना दो, खाना दो। Thank you.
तो उसे साथ नहीं ले जाएंगे, पैसा लेके उसके बाप को बता देंगे। अरे उस्ताद, यहाँ तो ताला लगा है। अब बच्चों मैंने बड़े बड़े ताले लगा बैठ दिया, तो देख अभी। कौन जाना मेरे बाप? बे पहलवान खुल जा, क्या कर रही है? वहां लौंडा तड़प रहा होगा। कहो अब लाल किले की कसम। क्यों लपेट दिया ना, लपेट दिया। ऊपर देखते हैं।
सोनू बेटे, तुम अंदर कैसे बंद हो गए? कौन हो तुम? बेटे मैं गुल्लू चाचा। चाचा चाचा मुझे प्लीज बाहर निकाल लेना। बेटे बाहर तो बहुत बड़ा ताला लिपटा हुआ है, मैं तुम्हें कैसे निकालूं? बेटे आप फादर को बुलाइए ना, वो खोल देंगे। बेटे स्कूल में तो इस वक्त कोई नहीं है, तुम कहो तो तुम्हारे पापा को बुला लाता हूँ। हाँ प्लीज 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 अंकल जल्दी बुला लाना। हाँ बेटे बेटे देखो, तुम्हारे पापा मेरी बात का भरोसा नहीं करते, मुझे गुंडा समझते हैं ना इसलिए। तो बेटे तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो मैं तुम्हारे पापा को दूं और उनको मेरी बात पे यकीन हो जाए? है? हाँ एक मिनट रुकिए। हाँ बेटे जल्दी 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 है, रोना नहीं बेटा। हाँ जल्दी बेटे। बेटे कोई ऐसी चीज देना जो दरवाजे के नीचे से आ जाए। शाबाश लपेट दे, पढ़ ले। अब तुझे भी तो पढ़ना नहीं। देख देख सोनू बेटे, डरना नहीं है बेटे, रोना भी नहीं। तेरा गुल्लू चाचा अभी गया, अब भी आया। ओके बस 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 बस। अरे सुनो, हम तो आटा गूंद रहे थे, ये तो लेप हो गई यार। पापा आपके मुंह पर आटा लग गया। तो फिर पहुंचते? तेरे मुंह में भी आटा लग साहब। इतना तो बता दीजिए कि आप हमें यहां लाए किस लिए हैं? अबे यार इतने सवाल तो इंस्पेक्टर साहब भी तुमसे नहीं पूछेंगे जितने तुम मुझसे पूछ चुके हो। लो साहब आ गए। साहब यही है वो भिखारी। क्या नाम है तुम्हारा? बच्चे मौला बाबा कहते हैं, बड़े फकीर कहते हैं, और अगर किसी को बहुत ज्यादा प्यार आ जाता है
तो अंधा कह के बुला लेते हैं। सुनो इंस्पेक्टर साहब, जो पूछते हैं उसका सही और छोटा जवाब दो। सोनू को जानते हो? जैन साहब, जानता हूँ। इस वक्त वो कहाँ है? कहाँ है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि वो मिल जरूर जाएगा। कैसे मिल जाएगा? वो तो नहीं जानता, लेकिन बस मिल जाएगा। कितने रुपए देकर मिलेगा? रुपया? मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ, तुम इसे देख नहीं रहे हो मगर महसूस जरूर कर रहे होगे। इसका नाम सुनकर बड़े से बड़ा मुजरिम कांपने लगता है। अब कहना क्या चाहते? कह नहीं, पूछ रहा हूं। बोलो, सोनू को उठा के कहां ले गए तुम? मैं? हाँ तुम। मैं नहीं लिखे, ये झूठ है। झूठ है? क्या ये झूठ है कि तुम स्कूल के बाहर रोज उससे मिला करते थे? क्या ये भी झूठ है कि तुम रोज उसके घर की तरफ जाया करते थे? और क्या ये भी झूठ है कि वो तुमसे बहुत घुल मिल गया था? ये सही है, मगर तुमने अभी अभी कहा था कि सोनू मिल जाएगा। बोल, क्या ये झूठ है कि अपने गरीबी से तंग आकर रुपयों के लिए तूने सोनू का किडनैप किया? या अल्लाह, इस उम्र में इस नाबीना से ये तू कैसा इम्तिहान ले रहा है? अरे तूने मुझे अंधा बना के इस दुनिया में भेजा, पर मैंने उसे तेरी रजा समझकर कभी तुझसे शिकायत नहीं की। परवरदिगार आलम, तूने मुझे आवाज दी और मैं उस आवाज से सारी जिंदगी तेरे हम्द सना के नगमे गाता रहा। तूने मेरे नाम फकीरी लिख दी और मैं उसे तेरी इबादत की चादर समझकर सारी जिंदगी ओढ़े रहा, मगर कभी तुझसे शिकायत नहीं की। परवरदिगार आलम, अगर इस फकीर ने कभी तेरी बारगाह में सच्चे दिल से कोई सजदा किया है तो सजदे की लाज रख और साबित कर कि अंधा फकीर बेगुनाह है, वरना दुनिया में कोई किसी फकीर से अपने बच्चे को प्यार किए दो बोल बोलने नहीं देगा। बाबा, संजय बाबू, सुना आपने? ये क्या करे, मैंने सोनू को उठाया है, मैं ऐसा कर सकता हूं? आप कहिए मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं बाबा। बाबू, मैं जन्म का अंधा हूं। अंधेरे कितने खौफनाक होते हैं ये मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? ऐसे में मैं किसी के घर का चिराग कैसे बुझा सकता हूं? इंस्पेक्टर साहब, ये ऐसा नहीं कर सकते। संजय बाबू, मुजरिम के चेहरे पे कुछ नहीं लिखा होता, शक के बिना पर काम करना पुलिस की ड्यूटी का एक हिस्सा है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं मानता हूं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि मेरे बेटे को तलाश करने के लिए किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगाया जाए। प्लीज आप इन्हें जाने दीजिए। हवलदार, इन्हें जाने दो। जी साहब। आओ बाबा। बाबू, फिक्र नहीं करना, अल्लाह पे भरोसा रखना, उसने चाहा तो तुम्हारा सोनू जरूर मिल जाएगा तुम्हारा सोनू। इंस्पेक्टर साहब, कुछ देर पहले जब मैं खंडाला से लौटा तो मुझे पता चला कि मेरा कुत्ता भी लापता है। दरअसल ये बात बताने के लिए मैं यहां आया था। मिस्टर संजय, मुझे यकीन हो गया है कि सोनू को किडनैप किया गया है। इंस्पेक्टर साहब, अब मुझसे मेरी पत्नी की हालत देखी नहीं जाती, घर जाता हूं तो एक ही बात कहती है, मेरा सोनू ला दो, मुझे मेरा सोनू ला दो। मिस्टर संजय, मैं आपकी परेशानी को समझ रहा हूं, अगर आपसे सोनू के बदले कोई पैसे मांगे तो प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। ओह माय गॉड। पर अक्सर मां बाप ऐसा नहीं करते, नतीजा यह होता है पैसे भी जाते हैं और बच्चा भी। जाने कहां छुपा है तू?
करे बाबा मानी। कुछ पता लगा? अभी तक तो नहीं, लेकिन जल्दी चल जाएगा। तुमने कल से कुछ नहीं खाया, लो कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है। जिद मत करो संगीता, थोड़ा सा खा लो। जब तक मुझे सोनू नहीं मिल जाता, मुझसे खाया नहीं जाएगा। देखो सोनू भी मिल जाएगा। मुझे मेरा सोनू ला दो, कल से वो भूखा होगा। और आप जानते हैं उसे भूख लगी तो वो जरा से भी देर बर्दाश्त नहीं करता। उसके लंच बॉक्स में थोड़ी सी ब्रेड थी, उसे क्या होगा? मेरे अलावा वो किसी के हाथ से कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं खाता। तुमने फिर से चौक खाए? कितने बार मना किया है मैंने, फिर भी अपने आदत से बाज नहीं आते। सॉरी मम्मी। हर बार सॉरी मम्मी कहते हो, फिर दोबारा चौक खाए तो मैं मारूंगी तुझे। हाँ रानी, क्या हो रही है? चले जाए। अरे क्यों चले जाए, लपेट के, जरूरी काम है, चिकना है घर पे। अरे सपनों की रानी, बहुत जरूरी काम है, सोता है। क्या हुआ कमीने? अबे सुन बे, ज्यादा होशियारी नहीं, यहाँ तेरी रानी मेरे लपेटे में और वहाँ तेरा लौंडा सोनू खतरे में। सोनू? हाँ, इसलिए मैंने फोन नहीं किया, डायरेक्ट चला आया। और मेरे को मालूम था तू मेरे जैसे बदमाश पे यकीन करेगा नहीं, इसलिए प्रूफ साथ में लाया। ये उसकी बुक है। सोनू कहाँ है? वो बेचारा इस वक्त बड़ी मुसीबत में है। क्या है, यहाँ आने से पहले मैं उसके हाथ पैर रस्सी से लपेट के पानी के टब में डाल के आ गया। कमीने! पहलवान, पहले पूरी बात तो सुन ले। अगर मैं लेट हो गया तो तेरा ही नुकसान होएगा, क्योंकि जिस टब के अंदर तेरा लौंडा है उस टब के ऊपर पानी की एक टंकी है, और वो टंकी मैं कुछ इस हिसाब से खोल आया हूँ कि आधे घंटे के अंदर वो टब पूरा भर जाएगा। ठीक, अगर मैं लेट हो गया तो तेरा लौंडा तो लेट ही जाएगा, फिनिश। क्यों, हो गया ना ठंडा? उस दिन तो बहुत लपेट रहा था मुझे, अब लपेट ना। अरे लपेट, अरे मार, अरे मुझे मार मार। देख गुलू, मेरे बच्चे को तू, हाँ बच्चे का पता बता दूं, मैं तुझे बेवकूफ नजर आता हूँ। अरे पहले उस दिन की पिटाई का बदला तो ले लूं। अरे पहलवान ये ठीक नहीं लग रहा, तू मुझे मार ही नहीं रहा। तू एक काम कर, तेरे को गुस्सा तो आ रहा है, तू मेरा गला दबा दे, मुझे जान से मार दे, और फिर तू पूरे शहर में वो टब ढूंढता रही हो जिसमें तेरा बेटा है। क्यों, नहीं मार सकता ना? मैं मार सकता हूँ तुझे। नहीं, तू जा। देख गुलू, मुझे जितना जी चाहे मार ले, लेकिन वक्त गुजरता जा रहा है, मेरे बच्चे का पता बता दे। आखिर तुम चाहते क्या हो?
थोड़ी सी तो मन की शांति जो इसको लपेट के पूरी हो गई। कल्लू अड्डे पे कितने का पर्स लौटाया था हमने चिकने को? 450 रुपए थे उस्ताद। तो 25,000 ठीक रहेंगे? इतने पैसे तो घर में है नहीं। मेरे पास कुछ जेवर है तो ले लीजिए। देख जेवर नहीं, जेवर नहीं, जेवर के लफड़े में तो मैं एक बार पहले भी फंस चुका हूँ। कसम उड़ान झल्ले की जेवर के चक्कर में तो मैं जेल जा चुका हूँ। मुझे तो अभी एक काम कर, तेरी बीवी का जेवर बेचने तू जाएगा और रात को 3 बजे मेरे फोन का इंतजार करियो, मैं बताऊंगा कहाँ पे आने का है। और सुन, नक्कर लेके तेरी बीवी आएगी बिल्कुल अकेली, समझ गया? अरे भाई मेरे को जल्दी जाना है, नल बंद करना है, टाइम नहीं है मेरे पास। और फिर माल मिलते ही शहर से बिस्तरा भी तो लपेटना है, उसके लिए माल चाहिए कि नहीं? वो तो ठीक है उस्ताद, लेकिन अपुन ने इतना लंबा टाइम दे दिया है, इस बीच वो पुलिस वालों तक पहुंच गया तो? नहीं बेटे नहीं, जब तक मियां बीवी को ये याद है कि बच्चा टब में है, वो भूल के भी पुलिस को याद नहीं करेंगे। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो पुलिस हमारा क्या कर लेगी? अरे भाई हमने कौन सा बच्चा किडनैप किया या बच्चे का मर्डर किया है? अपनी मन की आंखों से देखो ना बाबा। ये तो सुनो की आवाज है। संजय स्पीकिंग। क्यों बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है ना लपेट के? मैं भी कर रही हूँ माँ काली की टूटी फूटी बिल्डिंग में। और सुन, धोखा नहीं खाना चाहता तो धोखा नहीं करना, अपनी बीवी को अकेले ही भेजना माँ लपेट के, समझ गया पहलवान? ठीक है, भेज दूंगा अकेले। वेलकम मेरे सपनों की रानी, वेलकम। सोनू कहाँ है? सोनू मिल जाएगा। ये तो तुम लाइयो मेरा ब्याज लपेट के, मगर मेरे सपनों की रानी, ये जो मैं पिछले 10 साल से तुम्हारे लिए अपना दिल लपेट के घूम रिया हूँ, उसका क्या होगा? आ जाओ ना, दिल से दिल मिला ले। अरे कुतुब मीनार के सामने आइसक्रीम खिलाने ले जाओ, कंपनी पार्क में घूमने चलेंगे दोनों। काम कमीने, बता सोनू किधर है? अब मैंने तेरे से पहले ही कह दिया था, धोखा नहीं खाना चाहता, धोखा नहीं करना। चमचो लपेट 10 साले को। माल माल हाथ आ गया, लपक लेते हैं, चमचों को पटने दो। माल बता सुनू का? नहीं बताऊंगा, लिपट गया। संगीता ये संभालो। आ,
सोनू का बताओ पुलिस आई पुलिस मर गया साला साला Thank you.
डर मत। नूरे हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? अरे जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? चल चल बेटा चल। अब बताऊंगा सालों को, बच्चे को ही खत्म कर दूंगा। कौन सी क्लास है? दरवाजा खुला है। सोनू सोनू बेटे सोनू, ताला टूटा है, लगता है कोई और ही लपेट गया है। साला बच्चा गया कहाँ? घबरा मत बेटा, मैं ले चलूंगा बेटे तुझे। अब तो लगता है लाल किले के बाहर बैठ के भीख ही मांगनी पड़ेगी इसकी। अल्लाह बहुत बड़ा है। अंधा मेरी लॉटरी को हाथों में लपेट के जा रही है। अंधे लॉटरी को छोड़ नेता, बहुत बोल गया, छोड़ ना पहलवान, छोड़ मुझे। अरे इस गिरफ्त से तो तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। भाजा भाजा सोनू भाजा चल सोनू। सबने बुड्ढा बच्चा को लेकर भाग लिया था। साहब मेरे जैसे जेंटलमैन को कहां लेके जा रही हो? चल बताता हूं। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मामा सोनू, सोनू रुक जाओ, ये चलावा है, सपना है। अरे पगली, ये अपना सोनू है, चल चल। पकड़ के तुझे अपनी मैं बाहों में तू जाएगा।